everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to eVidyarthi.in. शुरुआत करें अपने हमारे स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या पढ़ना है सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है। और उसमें से सबसे पहला पार्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि क्या? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये तो हम जानते ही हैं। पेपर देखते हैं कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स क्या होते हैं और या फिर क्या उसके साथ साथ फंक्शंस हैं, ठीक है। क्योंकि काम तो करता ही होगा ना कुछ, ऐसे तो कोई भी चीज यहाँ पर रहती नहीं है। चलो एक बार देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहली बात, हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है, तो वो मैंने लिख दिया है। दूसरा, व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ, वो बनता किससे है? सो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। चलो अब एक छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में लिखवा रही हूँ या आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप उसे नोट भी कर सकते हैं और यही सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट के बारे में सेल मेम्ब्रेन के नोट्स बना रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर दीज नोट्स लाइक दिस। इसके बाद आपको बुक में से एक एक सेंटेंस को रीड करने की या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ से भी सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि वो बनता किससे है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। चलिए उसके बाद एक बार देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या है, मतलब कि क्या काम करता है? अरे भाई, आउटर कवरिंग है यानी कि प्रोटेक्ट तो करता ही होगा ना, तो बस ये हमारे मेम सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन हमारे घर की बाउंड्री की तरह काम करता है ना। इससे पहले भी हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी देखा है या फिर उसके बाद हमने जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने देखा है कि किसी भी सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, वही चाहे वो राउंड हो चाहे प्लांट सेल हो, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन क्योंकि वो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, दैट मींस हमारे इंटरनल जितने भी सेल के पार्ट्स हैं उनको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये एक और काम करता है, एक्चुअली काम तो दो तीन और कर रहा है, बट इसी में आप एक और एक पॉइंट को सुनिए कि प्रोटेक्शन के साथ ये क्या करता है, जितने भी सेल के पार्ट्स है ना उनको एक दूसरे से अलग करके भी रखता है, ठीक है। अलग करने से मतलब है, फॉर सपोज यहाँ पर कोई हमारा सेल है, ठीक है, तो ये तो आपकी आउटर कवरिंग हो गई यानी कि हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। बट सेल मेम्ब्रेन सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, उसके पास ये भी फीचर है कि सपोज ये मेरे कुछ तीन सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये तीन सेल के पार्ट्स जो है ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर में सब कुछ घुला हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि एक कमरे में ही वहीं पे टॉयलेट है, वहीं पे किचन है, वहीं पे हम बैठे हैं, वहीं पे हम सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। हर एक का छोटा छोटा सा पार्टीशन होता है, अलग अलग कमरे होते हैं सबके। इसी तरीके से सभी सेल पार्ट्स का अपना अपना एक स्पेस है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी मदद करता है कि हमारे सेल के सभी पार्ट्स आपस में अपने अपने स्पेस में रहे, ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया उसकी प्रोटेक्शन की बात। अब आती है इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था कि भाई अगर मैंने गोल एक एनिमल सेल बनाया है या फिर मैंने प्लांट सेल को थोड़ा लंबा बनाया है, तो ये कहाँ से आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई शेप तो है, तो शेप कौन देता है और प्रॉपर स्ट्रक्चर कौन देता है हमारे सेल को, सेल के पार्ट्स को, वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए अब ये हो गई उसकी प्रोटेक्शन की बात भी हो गई और उसके शेप की बात भी हो गई। अब उसके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है और सबसे मेन जो सेल मेम्ब्रेन का काम है वो यही रहता है। क्या काम है सेल मेम्ब्रेन का, ये है कि इट अलाउज स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द सेल, यानी कि ये हर एक सब्सटेंस को अपने सेल के अंदर आने की अनुमति नहीं देता है, अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब आप खुद सोचो, जैसे आप अपने घर में बैठे हो, क्या ऐसा होता है कि कोई भी दरवाजा खड़काए और अंदर घुसा है, अगर मुझे नहीं जानते हो ना तो तुम मुझे भी नहीं आने दोगे। यानी कि हम अपने घर में स्ट्रेंजर्स को ऐसे अलाउ नहीं कर देते कि हाँ आ जाओ बैठो खाओ पियो और रहो, है ना, ऐसा नहीं होता है, किसी के घर में नहीं होता है। तो एटलीस्ट हम एक बार देखते हैं कौन है, क्या काम से है, क्यों है ना, हम कितनी सारी चीजों के रीजन जानते हैं या पूछते हैं, कितना कुछ उसमें करने लगते हैं। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि उसको जिम्मेदारी क्या मिली है कि सेल को बचा के रखना है, उसकी रक्षा करनी है, राइट, तो इस वजह से वो कोई भी सब्सटेंस उसके
अंदर एंटर ना करे इसके लिए वो क्या करता है, पूरी जानकारी रखता है और हर सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, इस वजह से हम सेल की इस प्रॉपर्टी को, मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमीएबल का मतलब, पहले परमीएबल का मतलब, ठीक है, परमीएबल मतलब कहीं भी अंदर आना जाना आराम से हो सके। ठीक है, तो वो तो हो गया कि परमीएबल है यानी कि आ पा रहे हैं, आ अंदर बाहर हो पा रहा है। बट हमारा जो सेल, हमारे जो बॉडी के एनिमल या प्लांट सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं वो सेमी परमीएबल होते हैं। सेमी परमीएबल का मतलब है कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेंगे और कुछ को नहीं। ठीक है, सेमी मतलब आधा आधा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि फुली परमीएबल है और कम्प्लीटली कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, सेमी परमीएबल तक तो ठीक था, लेकिन सेल का मेम्ब्रेन सिलेक्टिव भी होता है। सिलेक्टिव का मतलब है कि कुछ सब्सटेंसेस जो इसको फॉरेन लगते हैं यानी कि जिनको ये करना नहीं चाहता, विच आर नॉट यूजफुल टू इट, ठीक है, वो उनको अंदर अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से मेनली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, एक तो सेमी परमीएबल भी कहते हैं प्लस उसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे सेल का मेम्ब्रेन का खासकर बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि सेल के अंदर कौन सी गैस आती है, कौन सी नहीं आती, कौन सी बाहर निकालनी है, वाटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सब हम आगे आगे सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स में थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी नीड टू रिमेम्बर कि आवर सेल, हमारा जो सेल होता है बॉडीज में, वो सेल का मेम्ब्रेन कैसा होता है, इट इज सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। चलिए शुरुआत करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब हमने सेमी परमीएबिलिटी की तो इतनी बात कर ली कि वो इतना कुछ अलाउ करता है, बहुत सारी चीजों को रोक देता है, तो बेसिकली ये चीजें है कौन सी, ये आई कहाँ से है जिन्हें वो अलाउ करता है और आने देता है। ठीक है, बेसिकली वो आपके सेल की गैसेस हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की गैसेस यानी कि CO2 को हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है वो चल कहाँ रहा है, हमारे सेल्स के अंदर चल रहा है। तो जैसे अगर मुझे बॉडी से CO2 को बाहर निकालना है, उसी तरीके से हमारी बॉडी बनी किससे है, सेल से बनी है। तो बेसिकली CO2 को बाहर निकालना किसको है, हर सेल को अपने अंदर से CO2 को बाहर निकालना है। ठीक है, यानी कि CO2 हमारी बॉडी का या फिर आप कह सकते हो सेल का भी सेलुलर वेस्ट बन के रहता है। ठीक है, इसलिए अब एक बार हम देखते हैं कि ये निकलता कैसे है। भाई हमें समझ आया कि हमारा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, ठीक है, कि कोई चीज आ सकती है, किसी कोई चीज नहीं आ सकती है, बट ये प्रोसेस होता कैसे है, तो एक बार देखते हैं कि CO2 कैसे अंदर बाहर होती है। CO2 बीइंग द सेलुलर वेस्ट, इट मूव्स आउट ऑफ द सेल, ये सेल से क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब सेल से बाहर कैसे आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या बला है भाई, कोई बात नहीं, कोई बला नहीं है, एक बार इसे समझते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन जैसे आप ऐसा समझो, जैसे हमारे कमरे में अगर हमने परफ्यूम लगाया है, ठीक है, तो वो जो पूरे कमरे में एक स्मेल, एक खुशबू अच्छी सी फैल जाती है ना, यानी कि हवा के साथ उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो डिफ्यूज हो गई है, यानी कि उसमें फैल गई है। सिमिलरली आपने देखा होगा कोई भी रोशनदान में से छोटी सी किरण हमें दिखाई देती होती है, तो किस तरीके से हमें उसके पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, हमें डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, है ना। तो मतलब कि एक छोटी सी जगह से आ रही है बट पूरे कमरे में अपनी रोशनी को फैला देती है, तो मतलब कि वो लाइट क्या कर रही है, डिफ्यूज कर रही है, तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस से क्या होता है, हमारा सेल का जो वेस्ट होता है या फिर कोई ऐसी गैस जो हमारे सेल को नीडेड है वो अंदर आना जाना करती है। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन के साथ चलते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन एरिया। अब हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन की क्या बात है, हायर मतलब ज्यादा मात्रा में, आप बिल्कुल इजीली से समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में है और दूसरी जगह पे अगर उसी सेम चीज की कमी है तो हाई से लो में ट्रांसफर हो जाता है। क्यों होता है, जिससे कि बैलेंस पूरे वक्त पे बना रहे। ठीक है, इट इक्वलाइजेस द कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मीडियम।
मैंने आपको पहले भी बताया है कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस वहाँ पर कितनी मात्रा में अवेलेबल है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बार मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज हम ऐसा ले लेते हैं कि मेरे जो सेल के अंदर का हिस्सा ये है और बाहर इस CO2 को क्योंकि ये वेस्ट है तो उसे बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये हमारे सेल का आउटसाइड का एरिया हो गया। चलिए ठीक है, और ये इनसाइड एरिया हो गया। अब मैंने प्लस से क्या इंडिकेट किया है कि यहाँ पर जो CO2 है इस वक्त वो क्या है, ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन या माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है CO2 की बहुत ही लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अगर इसको मूव करना है, मूव क्यों करना है, क्योंकि दोनों साइड का जो मीडियम है हमें कैसा रखना है, बैलेंस्ड रखना है, इक्वलाइज्ड रखना है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये हायर कंसंट्रेशन की जो गैस है वो इधर मूव कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर CO2 की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। तो हमें बाहर बढ़ रही है वो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इस तरीके से हो जाएगी कि दोनों जगह बिल्कुल बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये तो एक CO2 का एग्जाम्पल हो गया। बट आप इसमें कहोगे कि अरे CO2 की बात कर रहे हो बार बार, ऑक्सीजन कहाँ गया, वो तो सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अगर मेरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है यानी कि सेल्स में भी प्रेजेंट रहता है, तो सिमिलरली हमारे ऑक्सीजन का जो इनटेक होता है वो हमारे सेल्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो सेल्स को भी अगर CO2 अंदर लेनी है तो मतलब क्या है कि सेल्स के अंदर का एरिया क्या है, O2 की कमी में है, लो कंसंट्रेशन में है, और बाहर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तभी तो हम लेते हैं ना। तो इसी तरीके से सेल भी उसे अंदर लेगा, तो लो कंसंट्रेशन कहाँ पर है, सेल के इनसाइड में है। ठीक है, तो O2 का ट्रांसफर कहाँ से होगा, आउटसाइड दी सेल से इनसाइड दी सेल। यस, ठीक है, तो O2 का कंसंट्रेशन हुआ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, और यहाँ पर भी क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इस तरीके से ये अभी तक मैंने क्या बात करी है कि गैसेस की बात मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जिस मीडियम को डिफ्यूजन अलाउ कर रहा है वो सिर्फ गैसेस हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में अलाउ होता है, जैसे कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, या आपका गैसेस हो। अभी हमने अपने बॉडी की मेन गैसेस की बात करी है, बट हमारी बॉडी में एक और एलिमेंट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड दैट इज वॉटर। तो वॉटर की भी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वलाइज होती है, यानी कि हायर से लोअर, लोअर से हायर, बट उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, बाय।